अस्सलाम वालेकुम। शॉपसर और पीके की तरफ से आज हम करेंगे 5055 मॉडल है ये शेवर है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके लिए। ये मॉडल है इसका RS CW 2055, शेंगफा के नाम से ही आता है हमारे पास। इसकी हम आपके लिए अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स की हम फ्यूचर में अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें हम इसको अनपैक करते हैं। इस तरह से पॉलीथीन की पैकिंग में ही आती है ऊपर पैक्ड, और ये शेवर है, ये इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त दी है। ये बेसिकली आपको एक फ़ोन का मॉडल है, आपको समझ आ रही होगी, ये उसकी तर्ज में बनाया गया है। ठीक है, ये इसका एक कवर है, ये मैं उतार के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये एज ए शेवर के वर्क करेगा आपके हेयर को कटिंग के लिए। ठीक है, एक इसकी ये एक्सटेंशन भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली साइड एज ए ट्रिमर, ये ट्रिमर हो गई और ये एक शेवर हो गई। तो ये बड़ा लाइट वेट सा, बड़ा ज़बरदस्त, पॉकेट में भी आपके आ सकता है, ऑफिस में हैं आप, कहीं भी हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें चार्जर इसका कैसा दिया है इन्होंने, यहाँ पर आप लगाएं ऐसे, और इसको आपने स्विच में लगा देना है। ठीक है, आगे आगे इस तरह से आपने स्विच में इसको, अगर आपका स्विच बोर्ड है उसमें इस तरह से आपने इंसर्ट कर देना है, चार्जिंग होना स्टार्ट कर देगा। ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको पता है हर शेवर के साथ में दी जाती है, ये जो अंदर वाली साइड पे लगती है शेवर की। ठीक है, ये ब्रश आ गया, अगर आप इसको क्लीन करना चाहें वो यहाँ से, सॉरी यहाँ से अगर इसको क्लीन करना चाहें तो इसके लिए ब्रश दिया हुआ है साथ में। और ये यूज़र मैनुअल है जिसमें आपको इसको चाइनीज़ में है कुछ, थोड़ा सा इंग्लिश में भी नीचे ट्रांसलेशन की हुई है इन्होंने इंग्लिश में, तो आप यहाँ से चेक करके इसको समझ सकते हैं कि ये ट्रिमर ने यूज़ कैसे होना है शेवर ने। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग बाय करना चाहते हैं इसी वीडियो के नीचे आपको बाय लिंक मिल जाएगा। ये शॉपसी डॉट पी के हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके आप 2055 लिखें, सॉरी 5055 लिखेंगे तो ये मॉडल आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मॉडल है जी, सॉरी 2055, RS CW 2055। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।